नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री और मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आज के इस खास एपिसोड में मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूं। ये कहानी आपके मेरे मुझे लगता है हम सभी के जीवन से जुड़ी हुई है। कैसे जुड़ी है इसके लिए आपको पूरा वीडियो आखिर तक देखना होगा। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे फौरन करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो एक बार की बात है, राम और श्याम दो दोस्त थे। वो शहर गए कमाने के लिए। राम ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया, लेकिन श्याम धन के मामले में पीछे रह गया। खैर, दोनों दोस्त वापस अपने घर की ओर आने लगे। रास्ते में श्याम की नज़र जब धन पे पड़ी तो उसे लगा कि अगर दोनों का धन उसे मिल जाए तो कितना अच्छा हो। वो ऐसा सोच ही रहा था कि रास्ते में जंगल में उसे एक सूखा कुआं दिखाई दिया। श्याम ने सोचा कि क्यों ना मैं राम को इस कुएं में धक्का दे दूं ताकि सारा धन मेरा हो जाए। श्याम ने राम को कुएं में धक्का दे दिया और उसे लगा कि अब सारा धन उसका हो जाएगा। राम पहले तो कुछ समझ ही नहीं पाया, लेकिन वो बुद्धिमान था और मेहनती भी। वो कुएं से बाहर आने के लगातार प्रयास करता रहा। श्याम को लगा कि कहीं राम अपनी मेहनत से कुएं से बाहर तो ना आ जाए। यही सोच के वो झटपट झटपट कुएं के पास रखी मिट्टी कुएं में धीरे धीरे करके डालने लगा। राम मिट्टी उसके ऊपर गिरती और उसके ऊपर चढ़कर उसे दबा कर वो और ऊपर आता जाता। ऐसा करते करते बहुत देर हो गई और फाइनली राम कुएं से बाहर आ गया। आपको लग रहा होगा कि राम और श्याम की ये कहानी आपके जीवन से कैसे जुड़ी है, तो चलिए आपको बताती हूँ। आपको पता है, राम पर जो मिट्टी गिर रही थी वो आपके जीवन में आने वाली समस्याएं हैं जिनसे कई बार हम हार मान जाते हैं। लेकिन राम को देखिए, कैसे वे उसके ऊपर पड़ने वाली मिट्टी को दबा दबा कर उस पर चढ़ चढ़ कर उस कुएं से बाहर आ गया। तो हमें बस यही करना है, हमें अपने जीवन में आने वाली सारी डिफिकल्टीज को ऐसे ही मात देनी है, ऐसे ही उनसे फाइट करना है और फाइनली उनसे बाहर आ जाना है। तो अगले एपिसोड में ऐसे ही कुछ रोचक बातें, ऐसी कुछ कहानियाँ, ऐसे ही कुछ ज्ञान के साथ, नई बातों के साथ मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगी। तब तक के लिए आप स्पीकिंग ट्री के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।